बहुत पहले वो यीशु को मानती थी लेकिन पूरा सब छोड़ छाड़ चुकी थी, और अब उन्होंने सुना था एक चर्च के बारे में, तो वो बोली कि चलो चलते। तो मैंने बोला मेरे को नहीं आना है, मैं क्यों आऊं, मेरे को ये कौन है ये परमेश्वर, मेरे को नहीं पता, ये खुद सूली पर है, मेरे क्या मदद करेगा, ऐसा मैं सोचती थी। और बोले नहीं तुम चलो, तुम लोग को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती ये होटल रूम में, तुम चलो, तुम लोग बाहर खड़े रहना, अंदर मत आना, तुमको नहीं विश्वास है। मैं बाहर ही खड़ी रही, मैं अंदर नहीं गई, इतना मेरे अंदर वो था कि नहीं जाना मतलब नहीं जाना, मेरे को नहीं पता जो चीज़ में मेरे को विश्वास नहीं, मैं क्यों मानूं ऐसा। तो मैं बाहर खड़ी थी और उस वक्त मुझे पवित्र आत्मा कौन है कुछ नहीं पता, मैंने बाइबल पढ़ा भी नहीं था, एक पन्ना नहीं पढ़ा था बाइबल का। सडनली मुझे वहाँ पर ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने ऐसे बकेट भर भर के मेरे ऊपर है ना ऐसा प्रेम उंडेल रहा है, ऐसा शांति प्रेम आनंद और जॉय जैसे पूरा, मेरे आंखें ऐसे भर आई और मैं रोने लग गई, अनकंट्रोलेबल क्राइंग, मेरा पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे उधर क्या हो रहा है। मैं बाहर वरांडा में खड़ी हूँ, अंदर भी नहीं गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मम्मी बाहर आई तो बोली क्या हो गया, मैंने बोला कुछ हो रहा है मुझे, तो बोली चल चल अभी चलते। तो मम्मी रूम में आए, कुछ बुकलेट्स थे वो आप दोपहर में भी प्रार्थना कर रही थी मम्मी, मेरी सिस्टर को भी इतना कुछ पढ़ा नहीं था, वो समझ ही नहीं थी, वो 12 साल की थी तभी। शाम के 6 बजे मैं अपने रूम का दरवाजा होटल रूम का खोलते, वहाँ पे एक वरांडा है, तीन रूम ऐसे थे, तीन रूम ऐसे, नीचे रिसेप्शन था, छोटा सा लॉज था बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर। अगले दिन खाने के पैसे नहीं आए, वो उस दिन लास्ट था हमारे पास खाने के पैसे, बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर 100-100 रुपए का ऐसा बंडल, जस्ट आउटसाइड आवर डोर। ऐसे ऐसे नोट जो बैंक से निकले हुए जिसपे एक पेन या पान का दाग नहीं, उन दिनों में तो बहुत गंदे नोट होते थे, ऐसा नोट जैसे अभी किसी ने बैंक से निकाला हो, ऐसा नोट मैं हाथ में, मैं कांप रही हूं, मैं मम्मी को जाके दिया तो मम्मी ने बोला कि इधर ही रख पैसे, बोलना मत पैसे हमारे पास है, नहीं तो कोई भी बोलेगा मेरा है करके, नीचे जा पूछ कि किसी का पैसा गुम हो गया है या चोरी हुआ है कि क्या है, हो सकता है कस्टमर जब सामने वाला हो उसके पॉकेट से गिर गया हो। नीचे जाके पूछा वो वेटर वो लोग से, तो बोले बेबी ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैं ऊपर आके मम्मी को बोला ऐसा कुछ नहीं है, फिर हमने वो पैसे गिने, 4 दिन हमारे होटल का उसमें पैसा था, 4 दिन का वो भरने का, और आगे के 3-4 दिन हम 3 टाइम का खाना हम लोग तीनों खा सकते थे, उतना पैसा उस बंडल के अंदर था। मैं बोली कौन है ये भाई, पहली बार गए, मैं तो मानती भी नहीं हूँ, इतने जगह गए, इतना कुछ किया, जीवन ऐसा ही ऐसा 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 जा रहा है, ये क्या है। एक तो मुझे उधर कुछ महसूस भी हुआ, तो मेरा माइंड वहीं से चेंज होना शुरू हो गया था कि कुछ तो है, समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस जीसस क्राइस्ट, तो मैं जानना चाहती। फिर मेरा पूरा वहां से उत्साहित बढ़ा, मैं और जानना चाहती हूँ यीशु के बारे में कि कौन है जो शाम को जवाब आता है, सुबह में प्रॉब्लम और शाम को सलूशन। तो मैंने बोला मुझे जानना है। उतने में और भी बहुत सारे चमत्कार हुए, वो एक अंकल थे हमारे वहीं से मेरे, मैं जो साइंटिस्ट बनना चाह रही हूँ, मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ क्योंकि आप सब भी बहुत आशाएं लेकर बैठे होंगे, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, और हो सकता है कि प्रभु की भी इच्छा आपके लिए वो हो तो वो जरूर आपके जीवन में पूरा होगा, लेकिन कभी कभी प्रभु की इच्छा हमारे लिए कुछ और होती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आपकी काबिलियत क्या है, वो आपको किस क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकता है। जरूरी नहीं आपने जो सोचा वही हो, जो क्षेत्र प्रभु आपको लेकर जाएगा वहां पर वो आपका पूरा पूरा इस्तेमाल करेगा। कहां साइंटिस्ट और कहां एक्टर, जमीन आसमान का फर्क। तो उसके बाद एक अंकल थे जिनके यहाँ मैसेज मेरी मम्मी ने छोड़ा हुआ था, बहुत पुराने पहचान के, जिन्होंने मेरे को बचपन में, आप में से कितने ने देखा है पता नहीं, वीराना फिल्म की थी मैंने, एक हॉरर फिल्म थी जिसमें मैंने हीरोइन के बचपन का रोल किया था, मैं 9 साल की थी तभी, हॉरर फिल्म। तो वो अंकल ने मुझे करवाया था, वो हॉरर फिल्म के राइटर थे, वो आए वहाँ मैसेज छोड़ा था, वो आउट ऑफ टाउन थे, वो भी सही समय पर आए जब हमारा ये पैसा खत्म होने को आ रहा है, वो आ गए, आगे उन्होंने हमारी और मदद की। और सबसे बड़ा चमत्कार, वो वहाँ बैठते हैं, एक फोन लगाते हैं एक बहुत भले मानुस को, जो एक फैमिली टाइप आदमी थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने फिल्म बनाने की सोची थी लेकिन उनका फिल्म फ्लॉप हो गया था, तो उन्होंने एक ऑफिस कम रेजिडेंस जैसे लेके रखा था शास्त्री नगर लोखंड वाला, बहुत पॉश एरिया में।
अब 8 महीने का रेंट भर चुके थे वहां पे और वो ऑफिस यूज ही नहीं कर रहे थे और वो जो लैंडलॉर्ड थी वो पैसे वापस नहीं कर रही थी, बोले कि 8 महीना रह के आप छोड़ दो। वो खाली घर ऐसे ही पड़ा था फुली फर्निश्ड। इनको उसी वक्त उनकी याद आना, ये उनको फोन करके बोलते हैं कि एक फैमिली है, परिवार, इनके डैडी अभी तक इनको मिले नहीं है। तो उनकी उनके खुद के 3 बेटियां, तो उनको भी फीलिंग हुई, वो ममता जगी उनमें और बोला कि इनको आने दो, रहने दो, जब तक इनके डैडी मिलते हैं 2-3 महीना, हम सीधा एक लॉज रूम से सीधा एक पूरे किस बहुत ही फुली फर्निश्ड टीवी फ्रिज वाले घर में हम लोग शिफ्ट हो गए। और वो भी बिना किसी मतलब बिना किसी यू नो गलत इसके। मैंने ऐसा प्रभु का, मैं अभी इतना समय नहीं है मैं सब बांटूं, पर इतनी चीजें हुई अनबिलीवेबल चीजें, जैसे मतलब आप सोच नहीं सकते। प्रभु ने जो कहा ना, तुम विश्वास करोगे, तुम पहाड़ से कहोगे यहाँ से वहां हो जा और वो होगा। शायद पहाड़ नहीं हुआ अब तक, क्योंकि हमारा विश्वास भी अभी वो लेवल में पहुंचा नहीं, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हुई जो नहीं असंभव थी मेरे जीवन में। और बहुत बड़ी कहानी को थोड़ा छोटा करते हुए, मैं ऐसे एक्टर बनी, वहां से मेरी शुरुआत हुई। मुझे फिल्म्स मिलते गए, मेरा फोटो सेशन फ्री में हो गया, फिल्म्स मिलते गए, नया प्रोड्यूसर, नया हीरो, फिल्म बनी नहीं, अच्छे लोग थे, गलत काम नहीं था उसमें, फिल्म्स बनी नहीं लेकिन पैसे आते रहे। 3-4 फिल्में बनी नहीं मेरी, पर मेरे को पैसे मिलते रहे, मेरा गुजारा शुरू हो गया। डैडी मिले ही नहीं, 2 साल बाद मिले डैडी। अब वो दूसरी कहानी मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन वो 2 साल तक नहीं मिले। 2 साल तक पिता परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, पिता परमेश्वर ने हमें देखा, हमें उस मोड़ पर आने नहीं दिया जहां पे गेम खत्म, क्या बोलते हैं बंटा लैंग्वेज में, गेम खत्म, खलास, वो नहीं होने दिया। और हमें सुरक्षित संभाल कर रखा, हमारी सारी जरूरतें पूरा करता गया। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ स्मूथ हो गया, वो भी गलत होगा, परीक्षाएं आई, इसीलिए प्रभु हमें हमारे नाश के लिए परीक्षा नहीं देता है, हमारे उन्नति के लिए हमें परीक्षा देता है। तो परीक्षाएं बहुत सारी हुई, आमीन, लेकिन प्रभु हर एक से रास्ता बनाता गया, और उसके साथ साथ कुछ और भी होता गया, कैरेक्टर। आज मैं जो हूँ, आप मेरे से कुछ 5-6 साल पहले मिलते, मैं ऐसी नहीं थी, आई एम नॉट जोकिंग, घमंड, गुस्सा, आज भी गुस्से से थोड़ा मेरा पाला पड़ते रहता है, I'm sorry, है मेरे अंदर, प्रभु काम कर रहा है, गुस्सा है अभी भी, बट घमंड, और कभी कभी वो निकल के आता है। आप भी नोट किए होंगे ना, जब कभी कभी समस्या ऐसी हो जाती है तो हमारी परीक्षा होती है और हमको सब तब पता चलता है कि हमारे अंदर अभी भी कितना कुछ है बदलने को। तो घमंड, ये किससे बात नहीं, सबको नीचा देखना, ये सब मेरे अंदर था, लेकिन जैसे जैसे परीक्षाएं होती गई और उसके बाद प्रभु ने हर परीक्षा के बाद उठाया, आशीषित किया, और कैरेक्टर भी बिल्ड होता गया, चीजें बदलती गई अपने अंदर। मेरे परिवार वालों ने देखना शुरू किया, जो मेरे विरोध करते थे कि तुम ये प्रार्थना में क्यों जाती हो, ये प्रार्थना गलत है, इधर मत जाओ, ये लोग गलत है, ये पास्टर लोग गलत है, ऐसा ऐसा बोलते थे, आज वो भी आते हैं प्रार्थना में। मैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ देखा। और वो काम अगर हम प्रभु को अपने ऊपर करने नहीं देंगे ना, तो वो नहीं होगा, वो अपने ऊपर निर्भर है। देखो, स्वर्ग तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, जब तक हम यीशु को पकड़ के रख रहे हैं कि वो हमारा उद्धार करता है और हमारा प्रभु है, सिर्फ और सिर्फ वो, तो हम तो स्वर्ग जाएंगे क्योंकि प्रभु का वचन है वो। लेकिन हमारे जो वहां पर हमें मिलना है, बहुत सारी चीजें और हमारा कैरेक्टर, वो सब इस पर निर्भर होता है कि हम कितना प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, कितना उन पर, मैं जो शुरुआत किया था, कितना उन पर भरोसा करते, बहुत बहुत जरूरी है। और फिर 2006 में मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आया। तब तक मैं यीशु में सिर्फ है ना एक धर्म के नाम पर विश्वास करती थी, यीशु था, सिर्फ यीशु, लेकिन धर्म के द्वारा, आप समझ रहे हो, एक धार्मिक क्रिश्चियनिटी भी है ना, धर्म के द्वारा, लेकिन ये न्यू लाइफ, बोर्न अगेन लाइफ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बाइबल मैं बकायदा पढ़ती थी, मुझे बहुत शौक था, मेरे अंदर एक आग थी बाइबल पढ़ने के लिए, मैं बहुत पढ़ती थी, आग से ज्यादा वो तब पढ़ती थी बाइबल, तो बाइबल में ऐसे ना बहुत मतलब भूख और प्यास के साथ पढ़ती थी, तो मेरे को बहुत सारी चीजें दिखती थी, लेकिन वो जहां मैं जाती थी प्रार्थना में, वहां वो चीजें मेरे को नहीं दिख रही थी, बदलाव, चेंज, वो यू नो
मिरेकल्स लाइफ में, मिरेकल्स इन द सेंस के चंगाइयां जो यीशु बोलता है आज भी होगा मेरे नाम में, वो सब मुझे नहीं देखने को मिल रहा था। मैं फिर से सवाल मैंने यीशु से किया कि प्रभु कुछ और है, बताओ मुझे, कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपका वचन सच्चा है, आप सच्चे हो, लेकिन कुछ तो है जहाँ सही नहीं जा रहा है। और फिर प्रभु ने बोला अब ये रेडी हो गई है, मैंने बोला ना लेवल होता है, अब ये रेडी हो गई है वहां आने के लिए। पहले भी लोगों ने मुझे बुलाया था लेकिन मैं बोलती थी ये लोग ना सब ब्रेन वॉशिंग करते हैं, मैं नहीं जाऊंगी हमारे न्यू लाइफ फेलोशिप और बॉर्न अगेन चर्च में, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। एक दिन रात को प्रभु ने मुझसे, वो मेरे से बात करते थे वचन के द्वारा, और मुझे बोला जाओ मैं भेज रहा हूँ तुमको। तो मैं गई वहां पे, तुम्हारी उम्र का 19 साल का एक लड़का, पहली बार मैं गई, वो आया था सीजू मैथ्यू उसका नाम, वो आया केरला से और वो खड़ा है माइक पर और मैं बोल रही हूँ मेरे से बहुत छोटा, और वो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो 70-80 साल का आदमी, बहुत सारा ज्ञान लेकर। मैं बोली कौन है भाई, और मेरे सारे सवालों का जवाब वो दे रहा है माइक पर। और उस वक्त तक ना मुझे ये सब मेरे बिलीव नहीं होता था कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप नीचे गिर जाते हो और यू नो उनके उनके स्पर्श से आप यू नो आप भर दिए जाते हो, एनॉइंटिंग का मुझे इतना समझ नहीं था। तो वहां मैं देख रही थी जब प्रार्थना खत्म हुआ सब लोग ऐसे आगे जा रहे हैं और सब गिर रहे नीचे, मैंने बोला ये मेरे कोई नहीं सकता क्योंकि ये रियल नहीं है, ऐसा मेरा माइंडसेट ऐसा था। मैं आगे गई और उन्होंने मेरे को छुआ भी नहीं, उसका आंख बंद था वो ब्रदर का, और वो ऐसे आंख बंद करके बोलते है बेटी क्या चाहिए आपको, इंग्लिश में बोलते हैं। मैं बोली बेटी, ये मेरे से कितना छोटा है एज में मुझे बेटी बोल रहा है। तो मैंने बोला ये नहीं है, ये जरूर प्रभु बोल रहा है इसके जरिए। मैंने बोला मैं चाहती हूँ कि यीशु मेरे जीवन का पूरा नियंत्रण ले ले, ऐसा मेरे मुंह से निकला, पता नहीं क्यों उस वक्त वो मैं भर गई थी उससे, पूरा नियंत्रण यीशु ले ले। उसने बोला ऐसा ही हो तुम्हारे साथ, सिर्फ इतना बोला वो ब्रदर ने, एक हवा का झोंका जैसे आया और वो बपतिस्मा था पवित्र आत्मा का, मैं नीचे फ्लैट जमीन पर, प्रेज गॉड। और मैंने बोला ये क्या है, अमेजिंग एक्सपीरियंस, मैंने बोला क्या है ये। और फिर मैंने जाना, पहली बार मेरी आंखें खुल गई, इतनी बार बाइबल पढ़ा, ऐसा होता है ब्रदर सिस्टर, ऐसा होता है कि हम 10 बार भी बाइबल पढ़ते लेकिन हमारी आंखें खुलती नहीं है। वही वचन मैंने कितनी बार पढ़ा कि यीशु हमारे पापों की क्षमा के लिए धरती पर आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ ताकि हमें अनंत जीवन मिले, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया था तब तक। हाँ यीशु को मानती थी, मुझे पता था कि यही सत्य मार्ग है, बाइबल ही सच्चा है, लेकिन ये आंखें खुली नहीं थी। उस दिन मेरी आंखें खुल गई और मेरा उद्धार हुआ, और उसके बाद फिर मेरा जीवन बहुत बहुत अलग हो गया। अब सिर्फ चीजें और मटेरियल चीजों के लिए नहीं, आत्मिक उन्नति चालू हो गई। पहले तो बहुत सारी चीजें लाइफ में हुई, सक्सेस मिला, मैं एक्टर बन गई, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन आत्मिक उन्नति नहीं हो रही थी। वो वहां से शुरुआत हुई 2006 से, एग्जैक्टली 2006 दिसंबर से, और धीरे धीरे हर एक साल प्रभु मेरे जीवन में नई नई चीजें करता गया, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। पिछले चर्च में जो मैं जाती थी धार्मिक चर्च में, बोला गया था अरे ये अच्छी नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। और सही मायने में मैं आपको बताऊं, मैं अपने आप को बहुत सिद्ध नहीं बताना चाहती हूँ, उस समय में सही में मेरा जीवन अच्छा नहीं था, लाइक पाप से मैं बहुत जूझ रही थी। हमारा कैसा लाइफस्टाइल होता है इस इंडस्ट्री में, तो बहुत सारी चीजों में उलझी हुई थी और स्ट्रगल था मेरा, वो सब यीशु के आने से, उसके वो एनॉइंटिंग से, उसके वो उद्धार वाले वो स्पर्श से सब खत्म हो गया उस दिन से। प्रेज द लॉर्ड। जो पीने का शौक था, जो पार्टी का शौक था, मैं नहीं कह रही हूँ सब पार्टी गलत होती है, हमारे बर्थडे पार्टीज होती है, आप ऐसा मत सोचो कि बर्थडे पार्टी में भी जाना गलत होता है, नहीं, लेकिन वो एक माहौल होता है पार्टी का, वो सारी चीजें धीरे धीरे ना अपने आप, कोई बोला नहीं हमारे। एक बार मेरे पास्टर्स ने मुझे कभी पूछा नहीं कि वैष्णवी रिबेका तुम ये, मेरा सेकंड नाम रिबेका है, रिबेका तुम ये फील्ड में हो, तुम क्या ऐसे कपड़े पहनती हो, क्या तुम ऐसी जगह जाती हो, क्या तुम शराब और ये सब पीती हो, सिगरेट फूंकती हो, कभी एक बार भी मुझसे पूछा नहीं। लेकिन सिगरेट तो नहीं फूंकती थी, लेकिन बाकी चीजें तो थी। धीरे 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 सब प्रभु निकाला और अपने आप वो इच्छा ही चली गई उन सब चीजों की। और प्रभु कहाँ से कहाँ लेकर आया, जहाँ वो चर्च में बोलते थे, मेरे को एक नाम भी दिया गया था
सड़ा हुआ एप्पल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोटेन एप्पल. हाँ वो मैं आपके एज ग्रुप में थी, रोटेन एप्पल बोला था मैंने तो उनको क्षमा कर दिया, कोई बेर भी नहीं है उनके लिए, धन्यवाद हो प्रभु का. लेकिन मेरे को रोटेन एप्पल बोला था, वो रोटेन एप्पल को प्रभु ने उठाया और आज किधर खड़ा किया. सो महान परमेश्वर है हमारा, अगर हम उन पे विश्वास करेंगे तो कभी भी आप अपना सारा भविष्य उसके हाथ में दे दो. और आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, इसलिए कह रही हूँ. और नहीं भी अगर आप कहीं बीच में भी हो तो भी प्रभु सारा कुछ प्रभु के हाथ में दे दो. बोलो प्रभु मेरा मेरा फ्यूचर आप देखो, मैं नहीं चलाऊंगी, मैं नहीं चलाऊंगा. मेरे मैंने बहुत सोच के रखा है प्रभु, ये चीज को मैं आपको समर्पित करता हूँ, मैं आपको समर्पित करती हूँ, मुझे ये बनना ही है. पर प्रभु तुझे पता है मेरे लिए क्या उत्तम है, तू मेरे लिए वो तैयार कर वो रास्ता, क्योंकि वहीं पर मेरे को सही में शांति आनंद खुशी और उन्नति मिलेगी. मैं सच बोल रही हूँ. अब मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहती, लेकिन प्रभु की योजना थी, क्योंकि मेरे द्वारा मैं घमंड नहीं करना चाहती, पूरे नम्रता से कहती हूँ, मेरे द्वारा कम से कम 2000 लोगों तक इस फील्ड में अब तक वचन बांटा गया और कई लोग घर पे आते हैं, फोटोग्राफ लेके आते हैं एक्टर बनने के लिए, भेजे गए मेरे घर पे, आज वो मिनिस्टर बन गए हैं. तो धन्यवाद हूँ प्रभु का. क्यों मैं नहीं, मैं तो कहाँ साइंटिस्ट, कहाँ लैब में मैं कुछ कर रही होती, या वो टेलीस्कोप में कहीं देख रही होती अंतरिक्ष में, कहाँ है अंतरिक्ष में, किसको किसको बचाना है, किसका उद्धार करना है अंतरिक्ष में, कोई नहीं है उधर, नहीं है वो नासा बोलते रहता है बहुत कोई है पर आज तक कोई मिला नहीं उधर, सब इधर ही है, यहीं पर करना है, यहीं पर प्रभु का कार्य करना है, यहीं पर वचन बांटना है, यहीं पर हमें प्रभु की योजना अपने जीवन में पूरी करनी है. और सही मायने में हमारी सबसे बड़ी योजना जो प्रभु बोल के गया है कि तू मेरे राज्य को खोज, यानी कि तू वचन बांट दुनिया के छोर तक, मैं सदा तेरे साथ हूं, वो सबसे बड़ा जो आज्ञा प्रभु ने दिया है वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी योजना है. चाहे हम जीवन के कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अब स्कूल में होंगे या कॉलेज. अब मेरी बेटी का उदाहरण, आज वो इधर आई नहीं, वो 16 साल की है, इसलिए मैं जानती हूँ, मैं आप लोग के जीवन से बहुत ही मतलब वंचित हूँ मैं कि आप किस दौर से गुजरते हो ये इस वक्त और आज के दौर में, क्योंकि मेरा दौर कुछ और था. तो मेरी बेटी भी 16 साल की है, सारे स्ट्रगल सब मैं जानती हूँ. तो वो मेरे को स्कूल में बुलाया गया था, क्योंकि उसका 8 साल में उसका उद्धार हो गया था, मेरे को स्कूल में बुलाया गया था कि आपकी बेटी वचन बांटती है, जरा उससे कहो कि ना बांटे. तो ये है प्रभु की योजना, उसके लिए ना तो कोई उम्र है. और मुझे अच्छा लगा, मैं उनके सामने तो चुप थी लेकिन अंदर से मैं बहुत खुश हो रही थी कि सही मार्ग पे चालू हो गया उसका चलना. तो अच्छा कंप्लेन, ये बहुत अच्छा वाला कंप्लेन था. तो वही है, हाँ जो माँ बाप यहाँ बैठे हम अपने बच्चों को सबसे बेस्ट क्या दे सकते हैं, प्रभु यीशु. अगर उनको उनको शुरुआत से प्रभु यीशु दे दिया ना, स्ट्रगल होंगे, मैं नहीं कह रही नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया देखो कैसी हो गई है, मीडिया सोशल मीडिया साइट्स बहुत कुछ है वहां पर खींचने के लिए, लेकिन अगर यीशु उनके दिल में बस गया ना, वो संभाल लेगा सब कुछ. मैं सच कह रही हूँ, अपने बच्चों को भी संभालेगा, हमको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है. और जवान लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, आप अपना जीवन अगर प्रभु को दोगे पूरी तरह से तो वो आपका इस्तेमाल करेगा. अब वो ऐसा नहीं है यूज एंड थ्रो, वो कभी ऐसा नहीं करता, यूज एंड थ्रो नहीं करता, वो यूज आपको करता है आपके ही भले के लिए, आमेन, और आपके पड़ोसी के भले के लिए. तो आप वो हम सबके लिए ही करता है जो भी करता है, क्योंकि ना तो हम उसमें कुछ एक चीज डाल सकते हो ना ही एक चीज यीशु से.